हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉकेटिव फूडी हीना में। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पनीर। आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। बेसिकली मैं ये दो जनों के लिए बना रही हूँ। पनीर को मैंने स्क्वायर में कट कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है प्याज। ये 5 छोटे प्याज मैंने लिए हैं, जिसको पतले पतले स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हुए हैं। साथ ही मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और मैंने 2 हरी मिर्च लिए, जिसको मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे ग्रेवी के लिए हम लोग पानी के साथ साथ दूध यूज कर रहे हैं, तो मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। और ये मैंने लिया है कस्तूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून। ये मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। कोई भी रिफाइंड जो आप घर में यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच, चम्मच का साइज मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस स्पून से इसको मेजर कर रही हूँ। साथ ही मैंने लिया है ये गरम मसाला, 1/2 चम्मच ये गरम मसाला है। हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया 1 बड़ा चम्मच, और साथ ही नमक स्वाद अनुसार। जो मैंने ये नमक ले रखा है, ये मैंने 1.5 स्पून ले रखा है, 1.5 चम्मच। चम्मच में आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा बेसिकली यूज कर रही हूँ। चम्मच में ये वाला यूज कर रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सारे मसालों को देर किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने घर में स्पून लेकर के सारे जो मसाले हैं वो मेजर कर सकते हैं। कढ़ाई में हम सबसे पहले तेल डालेंगे। अभी मैंने फ्लेम को हाई रख रखा है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, इसके अंदर हम लोग प्याज डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। अब प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। हमारे जो प्याज है वो अभी बहुत हल्के ब्राउन हुए हैं। जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये हमने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, हम लोग ये ऐड करेंगे ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और जब तक हमारा प्याज गोल्डन होगा तब तक ये जो पेस्ट है ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और टमाटर के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ये अपने सारे मसाले। मसाले डालने के साथ साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी को अगर आपको मेजर करना है तो आप इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से मिल गए हैं। अब इसको मैं 5 मिनट तक इसको कवर करके लिड से लो फ्लेम पे इसको कुक करूंगी, जिससे हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं और प्याज में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। जब इस तरीके से हमारा अच्छे से मसाला फ्राई हो जाता है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। ये कसूरी मेथी मैंने क्रश करके डाल दी है इसमें, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट्स के बाद आप जैसे देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी के लिए। मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है और डिपेंड्स ऑन ग्रेवी आप कितनी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें दूध या पानी मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं दूध डाल करके इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है। अब इसको मैं लो फ्लेम पे इसको कवर करके
10 मिनट्स तक पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसे सर्व करूंगी। हमारा मसाला पनीर रेडी है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हैव अ गुड।